नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश सिद्धि विनायक वक्रतुंड विघ्नहर्ता, भगवान श्री गणेश को कौन नहीं जानता। दोस्तों, वास्तु में भी भगवान श्री गणेश को बहुत अधिक महत्व दिया गया। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री गणेश की मूर्ति अगर घर में स्थापित कर दी जाए तो घर के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश वाकई में सभी विघ्नों को हरने वाले, जीवन में अपार सुख देने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं भगवान श्री गणेश। लेकिन दोस्तों, जब उनकी मूर्ति का चयन किया जाता है तो बहुत सारी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम घर के लिए सही मूर्ति का जो हो चयन कर सकें। दोस्तों, चाहे गणेश चतुर्थी के लिए आप मूर्ति का चयन करने जा रहे हो या फिर नॉर्मल घर में सजाने के लिए या घर में पूजा पाठ के लिए, आपने मूर्ति का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों कि जिन लोगों के घरों में मेन गेट पर भगवान श्री गणेश की अगर मूर्ति लगी हुई है तो उन्हें उनके जस्ट पीछे, जहां मूर्ति लगी है वहीं जस्ट पीछे, उनकी जस्ट पीठ के पीछे आपने दूसरी भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की पीठ की तरफ जो दरिद्रता का वास होता है, अगर हम घर के मेन गेट के पीछे, यानी पीठ तो हमारे घर की तरफ हो गई, यानी कि हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा अगर हम इस तरह से मूर्ति लगाएंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि मेन गेट पर जो मूर्ति लगी हुई उसके जस्ट पीछे वैसी ही एक मूर्ति आपने और लानी हो, उसके पीछे जस्ट पीठ के पीछे आपने लगा देनी है। इस तरह से आपके घर के वास्तु दोष है वो दूर होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दूसरी जो चीज है और दोस्तों वो है कलर, मूर्ति का कलर कैसा हो। दोस्तों, जो व्हाइट कलर की मूर्ति होती है वो सुख और समृद्धि देने वाली है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो आपने भगवान श्री गणेश की सफेद रंग की मूर्ति का चयन करना चाहिए। जबकि भगवान श्री गणेश की सिंदूरी रंग की जो मूर्ति होती है वह सर्व मंगल कामना को पूर्ण करने वाली है, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है भगवान श्री गणेश की सिंदूरी मूर्ति। तो ये तो हुई बात मूर्ति के रंग की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों भगवान श्री गणेश की सूंड। इसके बारे में लोगों का अलग अलग मत रहता है। कोई बोलते हैं कि भगवान गणेश की सूंड अगर दाहिनी तरफ हो तो शुभ रहती है, कोई बोलते हैं कि बाईं तरफ हो तो शुभ रहती है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि दोनों ही शुभ होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में कितना सामर्थ्य है भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना का और नियमों का पालन करने का। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री गणेश की जो सूंड जब दाहिनी तरफ होती है तो उन्हें बोलते हैं हट्टी गणेश जी या फिर सिद्धि विनायक। और इन गणेश जी की पूजा अर्चना के बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है और इन नियमों का विशेष ख्याल रखना होता है। आपने हर छोटी से छोटी बात जो उसका विशेष तौर पर पूजा से संबंधित ख्याल रखना होता है, समय की पाबंदी रहती है। और दाहिनी तरफ के गणेश जी की पूजा जो है वो सफ़ेद रेशमी कपड़ों को पहन कर की जाती है और साथ ही जनेऊ के जो नियम है उनकी पालन करना होता है और जनेऊ धारण करना होता है इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को। तो ये एक साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं रहता है, इसीलिए घर के लिए जो है वो भगवान श्री गणेश की बाईं तरफ की तरफ जो मुंह की हुई सूंड होती है वही मूर्ति श्रेष्ठ होती है। क्योंकि इनकी पूजा करना आसान होता है और इन्हें वक्र तुंड कहा जाता है दोस्तों, और इनकी पूजा करना बहुत ही सरल है। आप सिंपल साधारण जो पंचोपचार पूजा करते हैं, दो समय पूजा आरती करते हैं, उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आप घर के लिए अगर मूर्ति का चयन करने जा रहे हैं तो आपने बाईं तरफ वाले सूंड वाले गणेश जी का चयन करना है। अब दोस्तों, ये आता है कि गणेश जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा के लिए कि बैठी मुद्रा की। तो इसमें मेन चीज ये होती है दोस्तों, जो खड़ी मुद्रा वाली जो मूर्ति होती है वह विशेष तौर पर ऑफिस ये सब के लिए अच्छी होती है, क्योंकि चलायमान मूर्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे घर धन का जो आगमन आना और जाना जो लगा रहता है, इसीलिए इस तरह की मूर्ति जो होती है वह ऑफिस और दुकान के लिए श्रेष्ठ बताई जाती है। और इस तरह की मूर्ति की पूजा
खड़े होकर की जाती है, लेकिन जब घर के लिए हम मूर्ति का चयन करते हैं तो हमें बैठी मुद्रा की मूर्ति का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि हम आसानी से बैठकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, वही हमारे लिए श्रेष्ठ और आसान होता है। और दूसरी बात, ये खड़ी मुद्रा की जब मूर्ति की आप चयन करते हैं तो उस मूर्ति में भगवान के पैर जमीन को टच करते हुए होने चाहिए, ताकि व्यापार में स्थिरता रहे, किसी तरह की अड़चन ना आए। अगली जो चीज है जिसका आपने ख्याल रखना, वो ये कि जब भी आप भगवान गणेश की मूर्ति का चयन करें तो ये ख्याल रखें कि उसमें मूषक अवश्य ही होना चाहिए। मूषक भगवान श्री गणेश का वाहन है और वह मूर्ति में होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही दोस्तों, भगवान श्री गणेश के हाथ में मोदक अवश्य होना चाहिए। इन दोनों चीजों को आपने विशेष तौर पर देख लेना है कि मूर्ति में है कि नहीं। उसके साथ ही दोस्तों, आप जब मूर्ति का चयन करें तो ख्याल रखें कि मूर्ति खंडित ना हो, बिल्कुल कहीं से भी खंडित मूर्ति आप जो है वो आपने चयन नहीं करना है, और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपने मूर्ति को घर में लेके आना है। दोस्तों, ये थी बड़ी ही छोटी छोटी बातें कि आपने मूर्ति का कलर किस तरह का चूज करना है, सूंड किस तरफ होनी चाहिए, मुद्रा किस रूप में होनी चाहिए और गणेश जी के हाथ में क्या क्या होना चाहिए, सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके साथ ही दोस्तों, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आप गणेश जी की मूर्ति घर में लाएं तो उसकी कहाँ पे स्थापना की जाए। स्थापना के नियम में आपने विशेष तौर पे देखना चाहिए कि भगवान गणेश का जो मुख है वह कभी भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पर आपने स्थापना के समय देखकर ही घर में आपने मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों मूर्ति से जुड़े बहुत ही छोटी छोटी और आसान सी बातें, इसका आपने ख्याल रखते हुए मूर्ति का चयन करना है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए, और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।